लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू में रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड को काम में लेते हैं, फॉलोड बाय हमारे फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर अगर हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं तो वो जिस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल के साथ में डेटा टाइप नहीं आता है उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन के साथ में रिटर्न टाइप नहीं आता है। फंक्शन को कॉल करने से पहले फंक्शन क्रिएटेड होना चाहिए वरना आएगी हमारे पास में एक एरर। तो लास्ट क्लास में तो हमने सिंपल फंक्शन को कुछ वैल्यूज पास करी थी और उन्हें डिस्प्ले करवाने का काम किया था, लेकिन यूजुअली फंक्शंस को हम तब काम में लेते हैं जब हमें कोई कैलकुलेशन करवानी हो और कैलकुलेशन के बाद वो कोई रिजल्ट हमें रिटर्न करे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा वही है, अ फंक्शन दैट इज रिटर्निंग अ वैल्यू। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा है, लगभग सारी लैंग्वेजेस में आपने अभी तक इम्प्लीमेंट कर लिया है। सेम एज ऑल दी एग्जांपल्स, एचटीएमएल हेड टाइटल बॉडी एंड स्क्रिप्ट टैग को मैंने स्टार्ट कर लिया है और सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं ए एंड बी। इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर मुझे इनपुट लेना है और वो जो इनपुट यूजर प्रोवाइड करेगा उसे हम फंक्शन को पास करेंगे, उन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे और रिजल्ट को रिटर्न करवा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे स्टेटमेंट्स हैं दैट इज ए इज इक्वल्स टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इज इक्वल्स टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर। प्रॉम्प्ट का रिटर्न टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ में अगर हम यहाँ पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स ऐड होने के बजाय कॉन्कैटिनेट होके आ जाएंगे। तो जो भी डेटा है पार्स इंट की हेल्प से पहले उसे इंटीजर में मैंने टाइपकास्ट किया है और उसके बाद ही मैंने वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करवाया है। अब यहाँ पे सेम एज ऑल दी एग्जाम्पल्स, सेम एज ऑल दी लैंग्वेजेस एक्चुअली, अगर हम चाहें तो यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग, ऐसे फंक्शन की कॉलिंग जो हमें कोई रिजल्ट रिटर्न कर रहा हो उसकी कॉलिंग आप चाहो तो किसी थर्ड वेरिएबल को यूज करके कर लो तो रिजल्ट उस थर्ड वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली जो प्रिंट स्टेटमेंट होते हैं, हर लैंग्वेज का अपना अलग प्रिंट स्टेटमेंट होता है, हम उसके अंदर भी फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ में मैंने एक मैसेज दिया है रिजल्ट इज, जिसे मैंने कंबाइन करवाया है मेरे फंक्शन के कॉल के साथ कैलकुलेट ए कॉमा बी। ए और बी की वैल्यू जो भी होगी वो फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब एक्चुअली में क्रिएटेड है, तो मैंने फंक्शन को पहले क्रिएट कर दिया है। फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय हमारे फंक्शन का नाम दैट इज कैलकुलेट और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं दैट इज एक्स कॉमा वाई, तो ए की वैल्यू एक्स के अंदर और बी की वैल्यू वाई के अंदर। जो भी दोनों के अंदर डेटा है मैंने दोनों को ऐड करवाया है और आरईएस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है और फिर उस आरईएस की वैल्यू को मैंने रिटर्न करवा दिया है। वैल्यू वहां रिटर्न होती है जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है, यानी कि वैल्यू आके रिटर्न होगी इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट पे। तो रिजल्ट इसके साथ में जो भी एडिशन का आंसर होगा वो इधर आके कंबाइन होगा और हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन अगर हम इसका देखते हैं तो सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर मैसेज आया है तो मैं 10 यहाँ पे इनपुट कर रही हूँ। एंटर सेकंड नंबर में मैं यहाँ पे 56 इनपुट कर रही हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमारा स्टेटमेंट था वहाँ पे 66 आंसर रिटर्न हुआ है और कंबाइन होके पूरा स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है। सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। तो वैल्यू पासिंग और वैल्यू रिटर्निंग दोनों एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए हैं। किसी को भी इस पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर सारी चीजें? देन लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा दैट इज पासिंग एरे टू फंक्शन। अब यहाँ पर एरे को पास करना बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, लाइक अगर हम सी सी प्लस प्लस या जावा की बात करते हैं तो वहां पे जो चीजें हैं वो कंपाइलर बेस्ड के तौर पर काम करती है। मतलब हमें पहले से बताना होगा कि कौन सा वेरिएबल आप काम में लेने वाले हो, कितना साइज उसका होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें डायनामिक है। डायनामिक का मतलब जिस टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन कर पाएंगे वो टाइप हमारे वेरिएबल का बन जाएगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, इवन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, सिंपल बूलियन टाइप की वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल सा है। बेसिकली हमने यहाँ पे दो एरेज क्रिएट करे हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे और एक इंटीजर टाइप का एरे। मुझे सिंपली उन दोनों एरे की प्रिंटिंग करवानी है।
अब अगर हम सी सी प्लस प्लस या फिर जावा के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो एक एरे इंटीजर टाइप का है तो उसके लिए मुझे अलग फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और एक एरे मेरे पास में स्ट्रिंग टाइप का है तो उसके लिए मुझे अलग फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस टाइप की वैल्यू फंक्शन के अंदर आ रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो मैंने सिर्फ एक फंक्शन क्रिएट किया है शो एरे नाम का, जिसमें कॉलिंग करवाते टाइम यूजर को कुछ डेटा पास करना है। अब जो भी डेटा यूजर पास करेगा वो आके स्टोर हो जाएगा इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे किसी भी तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट या फिर एरे कंस्ट्रक्ट को हमें काम में नहीं लेना, जिस टाइप की वैल्यू उसी टाइप का वेरिएबल। तो वैल्यू अगर एरे पास करेंगे तो ये एरे टाइप का होगा, अगर ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, स्ट्रिंग पास करेंगे तो स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर पास करेंगे तो ये नंबर टाइप का हो जाएगा। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए अगेन फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय फंक्शन का नाम और अगर उसके कुछ आर्गुमेंट्स है तो वो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल डेटा को प्रिंट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे कॉमा सेपरेट आउटपुट नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट अच्छे से अलग अलग लाइन के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। तो दो तरीके, या तो हम फॉर ईच लूप को काम में लेंगे, फॉर ऑफ जिसे हम कहते हैं, या फिर हम सिंपल फॉर लूप को भी काम में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर लूप को काम में लिया है, फॉर वेयर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। तो 0 से लेके इस एरे की जितनी भी लेंथ होगी उसके माइनस 1 तक का हमारा लूप चलेगा एंड इंक्रीमेंट 1 by 1। डॉक्यूमेंट डॉट लाइट ए ऑफ आई, मान लेते हैं कि एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो 0 से लेस देन 5 यानी कि 0 से 4 तक का लूप चलेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है तो ए ऑफ 0 एरे का 0 इंडेक्स डेटा प्रिंट हो जाएगा, प्लस बी आर टाइप कर्सर पहुंच गया नेक्स्ट लाइन। फिर आई का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बिकम्स 1 तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स का डेटा प्रिंट होगा अगेन बी आर टाइप। सेम प्रोसेस विल गो ऑन फॉर सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। अब अगेन है तो ये फंक्शन है, किसी भी लैंग्वेज में जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन तो मेमोरी में लोड हो जाते हैं जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, तब तक मेमोरी में रहते हैं जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है। अब हमने उन्हें अगर कॉल किया ही नहीं तो क्या फायदा, तो किसी भी तरीके की वर्किंग हो पहले फंक्शन को कॉल करना ही पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो एरे क्रिएट करे हैं, क्यू एंड एम। क्यू जो है वो मेरा इंटीजर टाइप का एरे है, अगेन एरे को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को काम में लिया है और डायरेक्टली वैल्यूज मेंशन कर दी। आप चाहो तो यूजर से इनपुट लेके भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर एरे कंस्ट्रक्ट को यूज करके अगर आपको काम करवाना है तो वो भी आप कर सकते। तो मैंने यहाँ पे सिंपली 10, 7, 9 and 6 चार वैल्यूज लिखी है इस क्यू के अंदर, और एम के अंदर सिर्फ 3 वैल्यूज है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड करना है और फिर एरे को प्रिंट करवाना। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर्स आर फॉलोड बाय बीआर टैग, और मैंने यहाँ पे शो एरे फंक्शन को कॉल किया है और क्यू मैंने यहाँ पे पास किया। अब क्यू के अंदर जितना भी डेटा होगा, जितना भी डेटा मतलब 10 7 9 और 6 जो ये पूरा एरे है वो इस ए के अंदर आके असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे एरे की लेंथ कितनी है, टोटल 4 एलिमेंट्स है तो एरे की लेंथ हो गई 4। तो 0 से लेके लेस देन 4 यानी कि 0 से लेके 3 तक का हमारा लूप चलेगा और एक एक करके 10 7 9 और 6 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे एरे के भी प्रिंटिंग है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइप की हेल्प से एक मैसेज है कलर्स आर, और उसके बाद फिर से मैंने शो एरे को कॉल किया है और एम एरे अब मैंने यहाँ पे पास किया। एम के अंदर क्या डेटा है, ये 3 वैल्यूज रेड ग्रीन एंड जो अब ए के अंदर आके असाइन हो। यहाँ पे अब एरे की लेंथ मेरे पास में हो जाएगी 3, तो 0 से लेस देन 3 यानी कि 0 से 2 तक का लूप चलेगा और एक एक करके डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में चीजें डायनामिक है तो अगर सिंपल प्रिंटिंग जैसा काम है तो उसके लिए अलग अलग एरे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग यहाँ फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक ही फंक्शन में हमारे दोनों टाइप के एरे की प्रिंटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक टाइप है, जिस टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं हमारा वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। तो अगर यहाँ पे एरे आ रहा है तो एरे, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट और एनी अदर वैल्यू। तो एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले फंक्शन मैंने क्रिएट किया था, उसके बाद एक मैसेज है नंबर्स आर, यहाँ पे फिर शो एरे फंक्शन को कॉल किया और मैंने एरे क्यू पास किया था, फिर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया कलर्स आर, और फिर उसके बाद मैंने एम एरे को पास किया था और तीनों वैल्यूज को प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे एरे की जो पासिंग है या एरे को रिटर्न करने का भी जो फिनोमेना है
वो कंपैरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह हमें काम में नहीं लेने पड़ते, ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाती है। आई होप ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है, किसी को भी इस एग्जाम्पल में कुछ भी कंफ्यूजन? Alright then, let's move with the next example. Now, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट एग्जाम्पल में कहा कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे इजिली एरे को पास भी कर सकते हैं और एरे को हम यहाँ पे रिटर्न भी कर पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एरे को रिटर्न कर पाने की कोई नीड नहीं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि एरे जो है वो हमेशा हमारे पास बाय रेफरेंस होते हैं। फंक्शंस के अंदर लगभग हर लैंग्वेज में अपने दो तरीके की पैरामीटर पासिंग कवर करी है, एक होता है पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू का मतलब ये है कि फॉर्मल आर्गुमेंट्स को यूज कर अगर हमने कुछ भी चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स में उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसका जस्ट हमारे पास में उल्टा होता है पास बाय रेफरेंस, फॉर्मल आर्गुमेंट्स में चेंजेस किए हैं तो एक्चुअल में भी वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो एरेज के केस में दे आर ऑलवेज पास बाय रेफरेंस, तो फंक्शन में किसी भी तरीके का अगर मैं चेंज इंप्लीमेंट करती हूँ तो रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा वहां पे उसकी वैल्यूज मैनिपुलेट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर मैंने सिंपली सबसे पहले एक एरे क्रिएट किया है, उस एरे को प्रिंट करवाने के लिए एक फंक्शन बनाया है और उस एरे में जितने भी एलिमेंट है उसमें एक एक का इंक्रीमेंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास में शो एरे नाम का फंक्शन है, ये एग्जैक्टली में वही फंक्शन है जो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया, सॉरी लास्ट एग्जाम्पल में कवर किया है फंक्शन 3.html के अंदर। तो फंक्शन शो एरे क्यू 0 से लेके लेंथ माइनस 1 तक का लूप और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से मैंने क्यू ऑफ आई को प्रिंट करवा लिया है, यानी कि एरे के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवा लिया है। सेकेंड फंक्शन जो है हमारा वो नया है, दैट इज कैलसी, फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय फंक्शन का नाम दैट इज कैलसी एंड एम, जो भी डेटा होगा वो इस एम वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब अगेन इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे वो 5 एलिमेंट हो या 50 एलिमेंट हो, हर एक एलिमेंट में मुझे प्लस 1 का इंक्रीमेंट करवाना है। तो वेयर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एम डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका टोटल काउंट माइनस 1 तक का ही हमारा लूप चलता है, तो 0 से लेंथ माइनस 1 तक का लूप चलेगा। हर एक इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है मैंने उसे एक्सेस किया है, उसमें प्लस 1 करवाया है और वापस उसी इंडेक्स पे उस वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। अब यहाँ पर मैंने ए नाम का एक एरे क्रिएट किया है जिसमें 3 वैल्यूज है 5, 7 and 9। अब यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट राइट दैट इज डेटा, शो एरे फंक्शन को मैंने कॉल किया है और एरे ए मैंने पास कर दिया, तो शो एरे क्या करेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक सारे डेटा को प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैलसी फंक्शन को कॉल किया है और एरे ए पास किया है, यानी कि 5, 7 और 9 इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब 0 से लेंथ माइनस 1 यानी कि 0 से 2 तक का हमारा लूप चलेगा। सबसे पहले 0 इंडेक्स को एक्सेस किया दैट इज 5, 5 में प्लस 1 होके वैल्यू 6 हो गई, वापस से 0 इंडेक्स पे साइन कर दिया। फिर आई का इंक्रीमेंट हो गया तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है 7, 7 में प्लस 1 किया तो बन गया 8 और वो फर्स्ट इंडेक्स पे साइन करवा दिया। सेम गोज फॉर सेकेंड इंडेक्स एज वेल। अब यहाँ पे फिर से एक मैसेज है डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेटा आफ्टर एडिशन और फिर से मैंने शो एरे फंक्शन को कॉल किया है, तो फिर से हमारे एरे की प्रिंटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एरे जो है हमारे वो पास बाय रेफरेंस है, मैंने फंक्शन के अंदर एरे में जो भी चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक बार हम इसका